हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट हैव रियल आइगन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बारे में बात की थी, तो आज के इस लेक्चर को समझने से पहले आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर को एक बार जरूर समझें। इसी डायरेक्शन में आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि क्या हर मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूँगा कि जैसे मैं अगर कोई टी ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करता हूँ फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर, और ये टी इस हिसाब की ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब आप इस टी की मैट्रिक्स बनाते हो तो जो इसकी टी की मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 0 1 -1 1। तो जब आप 0 1 -1 0, तो जब आप इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो जैसा कि हम इसके कोरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, तो जो इसके कोरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन कंसिडर की है वो आर स्क्वेयर वैक्टर स्पेस कंसिडर किया है, और वेक्टर स्पेस के कोरस्पोंडिंग जो फील्ड है वो भी आपका आर ही है। तो ऐसा कोई भी स्केलर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस बात का मतलब है कि इस टी ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पोंडिंग जो हमने मैट्रिक्स कंसीडर की, इस मैट्रिक्स की कोई भी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी बात को आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, उस बात का मतलब ज्योमेट्री में क्या होगा। तो ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि जहां पर हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की थी 4 0 1 3, और इस मैट्रिक्स को जब हमने ई वन वैक्टर के ऊपर अप्लाई किया तो हमारा एक वेक्टर आया, और फिर हमने ई टू वैक्टर के ऊपर अप्लाई किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इस मैट्रिक्स का बिहेवियर देखा था। तो सिमिलरली हम यहां पर भी यही काम करते हैं। हम कोई इवन वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं ये आपकी डोमेन है आर स्क्वेयर के कोरस्पोंडिंग, और यहाँ पर जो हमने वेक्टर कंसीडर किया वो आपका इवन वेक्टर कंसीडर कर लिया, और इसके जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे 1 0। तो जब आप इस मैट्रिक्स को इवन कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करते हो तो जो हमारा वेक्टर आएगा 0 1 -1 0 × 1 0, तो जो वेक्टर आया फाइंड आउट होके 0 -1। और जब आप इस वेक्टर को आपकी जो कोडोमेन है उसमें अगर आप इसको ड्रा करते हो तो ये वेक्टर बनेगा आपका 0 -1 डाउनवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये आपका इसको अगर एक मिनट के लिए हम इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बोलें तो ये वेक्टर होगा आपका ए इवन। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपने वेक्टर एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कंसिडर किया था उस वेक्टर को आपकी इस ए मैट्रिक्स ने क्लॉकवाइज 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दिया और इसकी इमेज ये आई है। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर जैसा कि ई टू वैक्टर होता है हमारा, इस ई टू वैक्टर और ई टू वैक्टर आपका होता है ई टू वैक्टर 0 1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं इमेज निकालूं तो 0 1 -1 0 0 1, विच इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस 1 दिस मल्टीप्लाई दिस 0। तो जो इसकी इमेज आएगी वो आएगी 1 0 वेक्टर, जो कि आपका इवन वेक्टर ही होगा। तो ये आपकी इमेज आई है ए ई टू वेक्टर की। तो हम देख पा रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने इवन वेक्टर की इमेज इस मैट्रिक्स टी ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग और इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट की, तो इवन वेक्टर की जो इमेज आई वो आपकी रोटेट हो गई। मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपकी रोटेट हो गई। और जब हमने ई टू के ऊपर अप्लाई किया तो वो भी आपकी मैग्नीट्यूड के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, ना तो वो स्ट्रेच हुई, लेकिन वो भी आपकी रोटेट हो गई। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आइगन वैल्यू ज्योमेट्रिकली आपकी आइगन वैल्यू का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो आपकी वेक्टर को स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच भी उसी वेक्टर की डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन में ही स्ट्रेच करना आपका आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है।
लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जब ये दो यूनिट वेक्टर कंसीडर किए तो कोई भी वेक्टर उसकी डायरेक्शन में स्ट्रेच नहीं हुआ। तो आप कोई भी लाइन लोगे, जैसे अगर मैं वन वन वेक्टर लेता हूँ, एक मिनट के लिए अगर वन वन वेक्टर, इसको एक मिनट के लिए हम वी वन अज्यूम करते हैं, और इस वन वन वेक्टर की अगर आप इमेज निकालोगे तो 0 1 -1 0 1 1, तो इसकी जो इमेज आएगी दिस मल्टीप्लाई दिस वन एंड दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस वन, और जब आप इसको ड्रा करोगे तो ये ड्रा होगा आपका यहाँ पर। तो इसको भी जो आपकी मैट्रिक्स ए ने रोटेट कर दिया 90 डिग्री। तो इस बात को आप समझ सकते हो कि किसी मैट्रिक्स की रियल वैल्यू ना होने का मतलब है कि ये किसी भी वेक्टर को फिक्स नहीं कर रही। फिक्स करने का मतलब, जैसे मैंने ये वेक्टर यहाँ पर कंसीडर किया तो इसको भी रोटेट कर दिया, तो अगर आप डोमेन के अंदर कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर कंसीडर करोगे, ये हर वेक्टर को रोटेट कर देगी 90 डिग्री से। तो किसी भी वेक्टर को अगर ये फिक्स नहीं करेगी तो उस वेक्टर को स्ट्रेच उसी डायरेक्शन में होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यही आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर रियल एग्जिस्ट ना करती हो उसका। तो उम्मीद है साथियों कि जो माइंड में नॉर्मली डाउट होता है कि हर मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो आपका डोमेन फील्ड वेक्टर स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वेक्टर स्पेस कौन सा कंसीडर किया। जैसे मैंने यहाँ पर आर स्क्वेयर कंसीडर किया, तो ऐसा कोई स्क्वेयर एग्जिस्ट नहीं करता था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उम्मीद है साथियों आपको आज का ये लेक्चर भी पसंद आएगा, जहां पर हमने किसी मैट्रिक्स की अगर कोई भी रियल आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।